नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में जानेंगे जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के जो छात्र हैं उनके लिए जो आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है उसके बारे में। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोगों को यूनिवर्सिटी व कॉलेज से जुड़ी सबसे बड़ी खबर मालूम हो जाएगी। तो आप लोग को बिना देरी के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जो बड़ी अपडेट है एक एक करके हम सारी अपडेट बताते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो आई हैं। सबसे पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो राजस्थान से संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं या फिर जितने भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है, आज की ही लेटेस्ट अपडेट है, डेट टाइम आप ज़रूर देखा करिए। लिखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी एडमिशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट किया है। इन्होंने कहा राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। ध्यान से समझे, जो अंतिम तिथि थी वो बढ़ा दी गई। आप आने वाले और दिनों में भी एडमिशन करा सकते हैं। जो 12th वाले छात्र हैं अगर वो फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में, आप सभी को मालूम है सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर में और फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। वो इस डेट के अकॉर्डिंग लिखा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट 23 अगस्त बढ़ा दी गई है। पहले 19 अगस्त तक ही आवेदन किया जा सकता था। पास स्टूडेंट यानी 12th पास स्टूडेंट महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। 12वीं का रिजल्ट 100% आने से इस बार सीटों की महामारी हो रह सकती है। तो ध्यान से समझे, जल्द से जल्द आप लोग 13 अगस्त से पहले एडमिशन ले लें, क्योंकि ये पहले जो डेट थी एडमिशन की लास्ट डेट वो 19 अगस्त ही थी। ठीक है, तो इससे पहले एडमिशन लीजिए। अब बढ़ते हम अगली बड़ी अपडेट की ओर। ठीक है, और अगली जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो छात्रों के लिए। आप सभी को मालूम है कि स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, चाहे वो यूजी के छात्र हो, वो चाहे पीजी के हो, चाहे इंटर के हो, चाहे हाई स्कूल हो, सभी के लिए। ठीक है, तो पीजी के लिए जो छात्र हैं उनके लिए कुछ खास स्पेशल सरकार की ओर यानी यूजीसी की ओर से अपडेट आई है। लिखा है कि यूजीसी स्कॉलरशिप यूजीसी ने कि पीजी छात्रों के लिए 1000 स्कॉलरशिप देने की घोषणा, हर माह मिलेगा 7800 रुपये। इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देते हैं। लिखा है कि यूजीसी स्कॉलरशिप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्नातक में पढ़ने वाले 1000 छात्रों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। स्कॉलरशिप के लिए छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। छात्रवृत्ति राशि का भुगतान DBT मोड के माध्यम से किया जाएगा। तो ध्यान समझे, कुछ 1000 छात्र के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की है। आप लकी हो सकते हैं या नहीं, इसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कॉन्टेक्ट करिए, ये अपडेट लेकर जाइएगा अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, उनसे समझिएगा कि सर ये जो अपडेट निकली इससे हम कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक बात करते हैं अगली सबसे बड़ी जो अपडेट आई आज की उसके बारे में। अगली सबसे बड़ी अपडेट, आप लोग टाइम डेट जरूर देखा करिए। लिखा है कि CCSU एडमिशन 2021 ओपन स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आज से करें रजिस्ट्रेशन, जारी एडमिशन प्रोसेस। यानी कि CCSU यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आप लोग BA BSc BCOM में, ठीक है, आज से अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के यानी कि एडमिशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। लिखा कि BA BSc BCOM BBA BSc सहित स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके अलावा शनिवार 21 अगस्त से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का प्रवेश पोर्टल खुल रहा है। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राएँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद आप लोगों का जो वो होगा एडमिशन प्रोसेस, सारी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है जैसे भी आती रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसके माध्यम से एडमिशन कराएं उससे ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी अपडेट थी आज की, जो कि मैंने 3-4 अपडेट आप लोगों को बताई है। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना तो ये सारी मैं जो अपडेट है ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।